कक्षा सात एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे, तो आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आएंगे, ठीक है ना। और यदि आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो मुझे आप बताइए। मुझे बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, मुझे आप जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लग रहा है, ठीक है। देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको दोनों ही सवालों में क्या करना है, ये दंड आलेख समझना है और इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं उनका हल बताना है। ये दंड आलेख समझना है और इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं इनका हल बताना है। देखो सबसे पहले नंबर ए दे रखा है, देखो कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। हम ये वाला देखेंगे दंड आलेख, और इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी लाइन होगी ये वाली, वो सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये वाली है। इसमें क्या है, बिल्लियां। तो कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है, सबसे बड़ी लाइन यही है ना, इसका मतलब सबसे अधिक लोकप्रिय ये है, ये वाली लाइन। तब क्या है, बिल्लियां। पहले का जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके बिल्लियां। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा पालतू पशु है, बिल्लियां है, ठीक है। अब बी, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। देखो कुत्ते, ये देखो यहाँ कुत्ते हैं, अब कितने विद्यार्थियों का, तो देखो ये कुत्ते वाला जो ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, 8 तक आ रहा है ना। तो ये जो कुत्ते हैं वो कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु है, 8 विद्यार्थियों, क्योंकि इधर विद्यार्थी की संख्या है, इधर पशु है, तो जो कुत्ते हैं वो 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों का, तो यहाँ आ जाएगा 8 विद्यार्थियों का, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है बेटा, वो है कुत्ता। आगे सुनने, इस प्रकार से इनका उत्तर देना है आपको। देखो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। एक दंड आलेख दे रखा है जो 5 सालों में बेची गई पुस्तकों को दर्शाता है, मतलब 1989, 1990, 91, 92, 93 में बेची गई पुस्तकों को दर्शाता है। अब पुस्तकों की संख्या देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है ना। और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और जो प्रश्न दे रखे हैं इनके इनको उत्तर देने। देखो सबसे पहले वर्षों 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। आपको ये बताना है कि 1989 में कितनी पुस्तकें बेची, ठीक है, 1990 में कितनी पुस्तकें बेची, 1992 में कितनी पुस्तकें बेची, ये बताना आपको। देखो सबसे पहले 1989, देखो बेटा ये वाला जो 1989 वाला ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है, देखो ये 200 से थोड़ा नीचे है, देखो यहाँ पर 200 से थोड़ा नीचे है, तो लगभग बताना है आपको, तो 200 से थोड़ा नीचे कर लो, मतलब लगभग आप लिख सकते हो 25 कम कर लो इसमें से 200 में से, तो 175 लिख सकते हो, लगभग बताना है आपको, लगभग देखो 200 से नीचे आ रहा है ना, 200 से नीचे हम क्या लेते हैं, लगभग आ जाएगी 175 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें, 175 पुस्तकें 1989 में बेची, ठीक है। अब 1990 बताओ, 1990 का ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, ये रहा 1990। अब देखो 1990 का जो ग्राफ है वो कहां तक यहां आ रहा है, और देखो ये 500 से थोड़ा ऊपर है, ये जो 500 है ना इसे ये थोड़ा सा ऊपर है, 500 से थोड़ा सा ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, 525 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें, 525, 25 का भी आप 25 ज्यादा ले लेना, आप लगभग का है तो लगभग ही लेना है आपको, ठीक है ना। 1990 में कितनी पुस्तकें बेची, 525 पुस्तकें। अब 1992 बताओ, 1992 में कितनी पुस्तकें बेची, आप 1992 का ग्राफ देखें, ये रहा 1992 का ग्राफ बेटा। इसका ग्राफ देखोगे तो देखो आप इसका जो ग्राफ है वो आपके 200 से थोड़ा ऊपर है, जैसे देखोगे ना आप ग्राफ पेपर पर बना के देखना, एग्जिट आएगा आपके, तो ये 200 से थोड़ा ऊपर है, तो 200 से थोड़ा ऊपर क्या हो जाएगा, 225, तो लगभग हो जाएगी 225 पुस्तकें। आगे समझे,
तो इस प्रकार से इनका आपको उत्तर देना है इसको देखकर। तो दूसरा वाला, किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 475 पुस्तकें किस वर्ष बेची गई। अब यहाँ देखेंगे 475, तो देखो यहाँ पर है आपके ये 500 थोड़ा नीचे आएगा और 500 से थोड़ा नीचे ये वाला नंबर आएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो किस वर्ष बेची गई, 1990। तो ये आपके बेच गए 1990। देखो आपके 1990 में यहाँ पहले 525 दी थी हमने, तो ये ऊपर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, ये आपको गलत हो गया, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ऊपर नहीं है, नीचे है बेटा, नीचे की तरफ। तो यहाँ आपको कितनी 475 बतानी है, 475 पुस्तकें हैं। ये थोड़ा सा नीचे है ग्राफ इधर, ये नीचे है, मैंने थोड़ा ऊपर देख लिया तो आपको ये नीचे है थोड़ा सा। तो ये 1990 का देखेंगे ना, 1990 यहाँ है, इधर देखोगे तो आप 475 आएगा, ठीक है ना। अब कब 225 पुस्तकें कौन से वर्ष में बेची गई, 225 पुस्तकें। अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर देख सकते हो 225 पुस्तकें कब बेची गई, 1992 में। देखो ये 1992 का देख, 225 देखो 200 के जस्ट ऊपर है, ऊपर यहाँ हो सकता है, यहाँ देखोगे ना आपके 1992 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे का, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो देखो 250 से कम, ये 250 यहाँ आएगा 300 और 200 के बीच में, एक तो 1989 में निव्यासी, ठीक है ना, 1989 में, तो एक तो 1989 में बेची, ठीक है। फिर देखो आगे चलो, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, और एक 1992 में, देखो ये भी 300 से नीचे आ रहा है ना, मतलब 250 से नीचे आ रहा है। तो 1992 में एक आगे आगे 1992 में, ठीक है। अब 1993 में तो अधिक बेची गई है, तो 250 से कम पुस्तकें एक 1989 में और एक 1992 में बेची गई। देखो चौथा, क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, मतलब 1989 में बेची गई जो पुस्तकें हैं ना उनका आकलन किस प्रकार करेंगे। हाँ कर सकते हैं, हाँ किस प्रकार करेंगे, हमें यहाँ इसके दे रखा है कि हम एक इकाई बराबर क्या मानेंगे, 100 पुस्तकें मानेंगे, मतलब ये वाला जो गैप है ना, ये वाला, ये एक इकाई बराबर कितनी पुस्तकें, 100 पुस्तकें। तो यहाँ लिख सकते हो एक इकाई बराबर 100 पुस्तकें लेकर हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे। आगे समझ में, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को, मतलब इन घटाले को देखकर इन प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं, ठीक है ना। ये वाला जो बताया थोड़ा मिस्टेक है, 1990 वाला, ये सही से देखो। और 3-6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, मतलब यहाँ पर आपको दंड आलेख बनाना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, कक्षा दे रखी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, 5वीं में 135 विद्यार्थी है, 6वीं में 120 विद्यार्थी है, इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, हमें इसका क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। तो और ये जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का भी आपको क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है ना। तो दंड आलेख कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है सर, दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले तो दो लाइनें खींचेंगे आप, ठीक है। मैंने जब बेसिक पढ़ाया था, इसका आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि दंड आलेख कैसे बनाते हैं, एक लाइन कैसे बनानी है, ठीक है, और एक लाइन आपको ऐसे बनानी है, ऐसे दो लाइनें बनानी है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो लाइनें बनानी है, ठीक है, एक तो उर्दू आधा लाइन और एक क्षैतिज लाइन, ठीक है बेटा। अब ये बनाने के बाद सबसे पहले लेना है आपको स्केल, स्केल मतलब पैमाना, या आप पैमाना कह सकते हो, पैमाना। अब पैमाना किस प्रकार से लेते हैं, पैमाना लेंगे यहाँ पर संख्याओं को देखकर। अब देखो संख्या यहाँ है आपके 80, 90, 120, 135, 95 ऐसे संख्या मान अधिक आ रहा है, तो आप पैमाना कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे एक इकाई बराबर। अब या तो आप 50 छात्र ले लो या 20 छात्र ले लो, कैसे, देखो ये जो स्केल है ना,
इस स्केल में आपको एक एक सेंटीमीटर का गैप लेके यहाँ निशान लगाने हैं। जैसे यहाँ से एक सेंटीमीटर, फिर यहाँ एक सेंटीमीटर, फिर एक सेंटीमीटर, ऐसे एक एक सेंटीमीटर के आपको गैप लेने हैं ऐसे, ठीक है ना। एक एक सेंटीमीटर के आपको गैप रखने ऐसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैं 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250 ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर 135 है, तो यदि हम यहाँ लेते हैं 20, एक सेंटीमीटर बराबर 20 छात्र, फिर यहाँ 20 छात्र, फिर 20 छात्र, तो 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप दो तरह से, तीन तरह से, जैसा आपको अच्छा लगे वे ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया कि एक इकाई बराबर 20 छात्र, एक इकाई बराबर कितने छात्र, 20 छात्र, या विद्यार्थी दे रखे तो यहाँ विद्यार्थी लिख सकते हो, एक इकाई बराबर 20 विद्यार्थी। मतलब यहाँ देखो, यहाँ 0, यहाँ 20, फिर आ गया 40, फिर आ गया यहाँ पर 60, फिर आ गया 80, फिर है 100, फिर है 120 और फिर है 140। देखो सबसे बड़ा मान 135 है, 140 तक काफी रहेगा, आगे लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, इसमें एक तरफ तो लिखनी है आपको विद्यार्थियों की संख्या, और एक तरफ लिखेंगे हम कक्षा, इधर तो विद्यार्थी संख्या लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे। अब देखो यहाँ जो ये हमने लिखी, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लिख दो विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना, ये हो गए आपके। अब बेटा इस तरफ भी आपको ऐसा ही, जैसे यहाँ एक एक सेंटीमीटर लिया ना, तो वैसे आपको एक एक सेंटीमीटर पे निशान लगाने हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से ये एक सेंटीमीटर हो गया, फिर ये एक सेंटीमीटर, फिर यहाँ ऐसे एक एक सेंटीमीटर पे आपको निशान लगाने हैं, ठीक है ना, ऐसे एक एक सेंटीमीटर पे निशान लगाने। और इस तरफ जो आएगा वो आएगी आपकी कक्षा, क्या आएगी, कक्षा। अब देखो सबसे पहले, सबसे पहले कक्षा 5 में कितने छात्र हैं, 135 छात्र हैं, कितने छात्र, 135। तो जो आपके 140 है उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब यहाँ छोटी छोटी जो लाइनें होगी इनके बीच में उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। जैसे देखो इन दोनों के बीच में 130 आ जाएगा, 140 हो, है ना, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब लगभग इस जगह पे 135 यहाँ आएगा इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो एक सेंटीमीटर का गैप लिया आपने, थोड़ा सा इधर लेना है आपको, मतलब दो लाइन दो प्रकार की, तो ये मोटी वाली लाइन होती है और यहाँ थोड़ी सी हल्की वाली लाइन होती है। तो इन दोनों लाइनों पे आपको क्या करना है, 135 तक आपको दंडालय बनाना है ऐसा, ठीक है ना। ये 135 तक लेना है, ये 135 तक हो जाएगा ऐसे एक लाइन, ठीक है, और फिर ये दूसरी लाइन ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ ऐसे मिला, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपके कौन सी कक्षा के लिए, ये हो गया आपके पांचवी कक्षा के लिए, कौन सी कक्षा के लिए, पांचवी। तो आप चाहे बीच में लिख दो या फिर नीचे लिख दो, यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो पांचवी, ठीक है ना, पांचवी कक्षा, ठीक है। तो ये बन गया पांचवी कक्षा के लिए ग्राफ। अब देखो छठी कक्षा में कितने, 120। तो अब देखो इसके बाद जो आएगी वो छठी कक्षा आई, तो यहाँ मतलब मोटी लाइन ये है, तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है बेटा। अब देखो 120, 120 तो यहाँ फिक्स है अपने पास, तो हम 120 तक लेंगे इसको, कितना तक, 120 तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके 120 यहाँ पे, आप ग्राफ पे बनाओगे बेटा तो इसको बिल्कुल सही बनेगा आपके, ठीक है, ये आएगा आपके 120 तक, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये हो गया आपके 120। कौन सी कक्षा के लिए, ये हो गया आपके छठी कक्षा के लिए, तो इसमें लिख सकते हो आप छठवीं कक्षा, ठीक है, छठी हो गया। अब देखो सातवीं कक्षा में 95 है, सातवीं कक्षा में कितने, 95। तो देखो 95 कहाँ बनेंगे, देखो 80 और 100 के बीच में 90 हो जाएगा। अब 90 से ऊपर पांच छोटी छोटी लाइनें, मतलब लगभग इस जगह पे आ गए यहाँ, ठीक है ना। तो हम इसको हम सीधा यहाँ देख लेंगे, यहाँ लगभग, ठीक है ना, तो यहाँ तक हमें लेना है। तो देखो यहाँ आ रहा है आपका एक सेंटीमीटर का, तो थोड़ा सा इधर पांच और पांच इधर, तो दोनों तरफ पांच पांच छोटी छोटी लाइन है। तो देखो ये है 95, तो आपके लगभग यहाँ आएगा, एक को लाइन यहाँ बनानी है और एक लाइन आपको ये यहाँ बनानी है, ठीक है।
और ये लगभग ये आ गया आपके पिक्चर में। तो ये कौन सी कक्षा के लिए बना? ये आ गया आपके सातवीं कक्षा के लिए। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आ जाएगी आपके सातवीं, ठीक है ना बेटा। अब देखो आठवीं में 100 छात्र हैं, आठ में कितना छात्र है? 100। देखो ये 100 बिल्कुल यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। जो ये आपने एक एक सेंटीमीटर दे दिया था उसे 5 इधर और 5 इधर दोनों तरफ, ठीक है ना। देखो यहाँ से 100 पे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा इससे, एक तो लाइन ये बन गई और एक लाइन आपके ये बन गई, ठीक है बेटा। और इनको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कौन सी कक्षा के लिए बन गया आपके? ये बन गया आपके आठवीं कक्षा के लिए। आप ये जो मैं लिख रहा हूँ सातवीं आठवीं, इनको आप इधर नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। अब देखो नौवीं कक्षा में कितने छात्र हैं? 90। अब देखो 90 कहाँ आएंगे? 80 और 100 के बीच में यहाँ पर आएंगे 90, मतलब लगभग इस जगह पे। तो आपने जो एक सेंटीमीटर दिया था उसे 5 इधर और 5 उधर बनाने हैं, ठीक है ना। ग्राफ में बनाओगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा आपसे, ठीक है। तो 90 है तो 90 आपके यहाँ आ जाएंगे सर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके 90, ठीक है बेटा। ये आपके ये 90 हो गया आपके, ये 90, ठीक है। तो ये कौन सी कक्षा के छात्र हैं 90? ये आपके नौवीं कक्षा के, ये आपके नौवीं कक्षा के छात्र हो गए, ठीक है। अब आपके कौन सी दसवीं कक्षा के छात्र, ठीक है। छठ पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं, अब दसवीं में कितने? 80 छात्र है। तो देखो ये 80, तो इसके सामने यहाँ देख लेंगे। तो आपने जो एक सेंटीमीटर का गैप माना था उससे थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा, मतलब 5 इधर और 5 इधर लेना है आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना, देखो 80 है तो देखो 80 लगभग यहाँ बन रहा है, ये हो गया एक लाइन तो यहाँ बनेगी और 5 में इधर, मतलब एक लाइन आपके ये यहाँ बनेगी, ठीक है। ये लो, ठीक है ना। और अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ ये बनेगी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। और तो ये कौन सी कक्षा के लिए बन गया? ये बन गया आपके दसवीं कक्षा के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो दंड आलेख थे वो बनकर कंप्लीट हो गया, बनकर तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, इधर बराबर एक एक सेंटीमीटर के गैप लेते हुए पैमाना, जो भी आपको यहाँ संख्या देते हैं उसके अनुसार पैमाना लेना है। इस तरफ कक्षा लेनी है, वही आपको एक एक सेंटीमीटर का गैप लेना है, और जहाँ पर आपको पॉइंट है उससे 5 इधर और 5 इधर ऐसे लाइन है, फिर ये गैप आ जाएगा, फिर ऐसे लाइन है, फिर गैप आ जाएगा, फिर ऐसे लाइन आपको बनानी है। देखो जो इसमें प्रश्न देखे उनके उत्तर भी बताते हैं, आप इसके किस प्रकार चुनेंगे, इसके लिए हमने किस प्रकार चुना, एक इकाई बराबर 20 विद्यार्थी। आप एक इकाई बराबर 50 विद्यार्थी भी ले सकते हो, आप एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी भी ले सकते हो। अगर 10 लोगे तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 बहुत लंबा हो जाएगा। 50 लेंगे तो 0, 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। देखो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सी कक्षा में है। देखो हल देखो इसका, सबसे पहले तो हम देखेंगे अधिकतम विद्यार्थी, अधिकतम विद्यार्थी। अब बताओ बेटा अधिकतम जो विद्यार्थी है वो कौन सी कक्षा में, सबसे ज्यादा ग्राफ कौन सा जा रहा है, सबसे लंबी लाइन देख लो आप लोग इसमें, पांचवी कक्षा में है सबसे अधिक है, तो ये आ जाएगी आपके कौन सी, ये आ जाएगी आपके पांचवी, ठीक है, हो गया। अब कह रहे सबसे न्यूनतम, क्या है न्यूनतम विद्यार्थी कौन सी कक्षा में है ये आपको बताना है, मतलब सबसे छोटा ग्राफ कौन सा है। देखो सबसे छोटा ग्राफ इसमें कौन सा, ये वाला, यही है सबसे छोटा ग्राफ, यही है दसवीं, कौन सी कक्षा में जाएगा, ये हो जाएगा आपके दसवीं कक्षा में। या पांच में भी नहीं आ रहा तो यहाँ देख लो, सबसे अधिक तो 135 और सबसे कम 80 है, ठीक है ना। ऐसे बताओ वहां देख के बताना आपको दंड आलेख। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब एक को लेना है कक्षा 6 के छात्र अनुपात, एक लेने हैं आपको कक्षा 8 के छात्र, और दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखो कक्षा 6 में कितने छात्र हैं, कक्षा 6 छठी में है छात्र 120,
यहाँ देख लो 120 अनुपात। कक्षा 8 में कितने छात्र हैं? कक्षा 8 में है आपके 100 छात्र। दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखो बेटा दोनों में किसका भाग जा रहा है? अनुपात को आप भाग में भी लिख सकते हो, ऐसे जैसे 120 बटा 100 भी इनको लिख सकते हो, अनुपात को भाग में लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, मतलब 0 से 0 कट गया। 2 का भाग इसमें 5 बार और 2 का भाग इसमें 6 बार, कह रहे हैं 2 का भाग इसमें 6 बार और 2 का भाग इसमें 5 बार, अनुपात कितना आ गया? 6 अनुपात 5 आ जाएगा। आगे समझे? तो ये आज की क्लास में बस ये 3 सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? तो